नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से होंगे। तो गाइज, आज हम आपको चलाना सिखाएंगे बाइक, ठीक है? कि बाइक को किस तरह से चलाया जाता है, हाउ टू ड्राइव बाइक, ठीक है? तो सबसे पहले हम बेसिक जो है नॉलेज ले लेते हैं बाइक चलाने से पहले, ठीक है? तो सबसे पहले हम राइट साइड आएंगे, तो राइट साइड सबसे पहले ये देख सकते हो कि ये होता है बाइक का एक्सीलेटर। एक्सीलेटर, जैसे आप एक्सीलेट करोगे तो बाइक जो है दौड़ेगी, ठीक है? एक्सीलेट कम करोगे तो बाइक जो है कम कम स्पीड पकड़ेगी, ठीक है? उसके बाद जो ये रेड बटन जो है आप देख सकते हो, रेड है या ऑरेंज है, ठीक है? तो इससे होता है किल स्विच बटन, ठीक है? इससे इंजन ऑफ ऑन हो जाता है, ठीक है? ये बटन जो देख रहे हैं ये होता है लाइट वाला स्विच, ठीक है? ठीक है, 1 2 3, जब आप इसको लास्ट पे थर्ड पे करोगे तो जो आपकी लाइट जो है आगे वाली हाई बीम जो है यूज ऑन हो जाएगी, ठीक है? इसको ये वाला स्विच होता है, ये होता है सेल्फ स्टार्ट, ठीक है? सेल्फ से आप जो है कार को, बाइक को जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको क्या करना है, सेल्फ लगानी है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आप चाबी लगा के बाइक को ऑन कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ चाबी लगाई तो यह बाइक जो है ऑन होगी, ठीक है? तो ये जो देख सकते हो, ये जो है हमारा आरपीएम मीटर, ठीक है? और ये जो है आपका हमारा जो है स्पीडोमीटर, ठीक है? यहाँ पे आपको शो करेगा कि बाइक जो है कितनी स्पीड पे चल रही है, बाइक की कितनी रनिंग हुई है अभी तक, और यहाँ पे है जो टाइम बता रहा है, और ये देख सकते हो तो ये बता रहा है आपका जो फ्यूल कितना है, ठीक है? और उसके बाद ये जो होती है राइट साइड, ये वाली है तो ये फ्रंट ब्रेक, आगे वाली ब्रेक, ठीक है? तो ये जो है आपकी जो है साइड मिरर हो गए, साइड मिरर जो है आपको पीछे देखने के काम आएंगे, ठीक है? उसके बाद हम लेफ्ट साइड चलते हैं, तो लेफ्ट साइड जो है तो ये जो है ये इंडिकेटर का बटन होता है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने लेफ्ट साइड किया तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर यूज़ हो गया, और राइट साइड किया तो राइट साइड का इंडिकेटर यूज़ हो गया, ठीक है? और बीच में करेंगे तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। और ये जो है लाइट को हाई बीम लो बीम, ठीक है? लाइट का थ्रो आगे करना है या पीछे करना है, इससे होता है, ठीक है? और ये जो होता है, ये होता है क्लच, ठीक है? क्लच, इसको बोला जाता है क्लच, ठीक है? और ये इंडिकेटर, ठीक है? उसके बाद जो होता है ये हो गया आपका बाइक का हॉर्न, हॉर्न दबाएंगे तो बाइक के हॉर्न चलेगा, ठीक है? और उसके बाद साइड में आएंगे तो साइड में जो है ये है कीक, कीक से भी बाइक को स्टार्ट किया जाता है। इसमें जो दो ऑप्शन है, ठीक है? और इसके बाद ये देख सकते हैं, तो ये है आपका पीछे वाली ब्रेक, ठीक है? और आप लेफ्ट साइड आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपके ये हैं गियर, तो गियर जो है इस बाइक में जो है 5 गियर हैं, एक गियर जो नीचे की तरफ लगेगा और बाकी जो है 4 ऊपर की तरफ लगेंगे, ठीक है? तो ये जो हो गया आपका बेसिक नॉलेज हो गया, अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या ध्यान करना है, ठीक है? बाइक को न्यूट्रल कर लेना है, फर्स्ट से गियर से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी बाइक। अब आपको क्या करना है, सेल्फ को लगाना है, बाइक जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, फुल क्लच ले लिया, फुल क्लच लेने के बाद गियर को नीचे की तरफ करना है, ठीक है? तो नीचे की तरफ करने के बाद आपका जो है फर्स्ट गियर लग चुका है। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जो है बाइक चला रहे हो, आपको हल्का सा एक्सीलेटर लेना है, ठीक है? हल्का सा पहले एक्सीलेटर करोगे, उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे तो बाइक जो है हमारी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अभी आप देख सकते हो, एक बार फिर से करके बताऊँगा, ठीक है? पहले आपको क्या करना है, हल्का सा एक्सीलेटर करना है बाइक को, ठीक है? आप देख सकते हो आरपीएम हुई, हल्का सा एक्सीलेट किया, ये देख यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा एक्सीलेट किया, उसके बाद मैं हल्का हल्का क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है? तो मेरी जो है बाइक चलना शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे चलना शुरू होगी बाइक का क्लच मैं वहीं पर रोकूंगा और थोड़ी सी बाइक जो चलना शुरू होगी तो मैं क्लच को छोड़ दूंगा, ठीक है? अभी मेरी फर्स्ट गियर पर बाइक चल रही है और मैं क्लच को छोड़ रखा है, ठीक है? और आगे अगर अभी मुझे जो है बाइक को सेकंड गियर पे करना है तो मुझे क्या करना है, बाइक को स्पीड को 15 से 20 के बीच में लेके आना हो तो मुझे सेकंड गियर जो है डाल देना है, ठीक है? जैसे अभी जो है 15 तक है तो मैं फर्स्ट गियर पे ही चला रहा हूँ बाइक को, जैसे अभी टर्न आ रहा है, ठीक है? आप मेरी क्लच मूवमेंट को देखिए कि मैं मूवमेंट किस तरह से कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि मुझे सेकंड गियर करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हल्का सा एक्सीलेट करना पड़ेगा, ठीक है? बाइक को एक्सीलेट करूँगा, ठीक है? तो अभी जो मेरा स्पीड जो है 17-18 आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं जो है फुल क्लच दबाऊँगा और क्लच को गियर डाल दूंगा, ठीक है? एक बार फिर से करके बताऊंगा कि गियर कैसे डाल जाता है। तो गियर डालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए अभी जो है फर्स्ट गियर पे बाइक चली है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, जब गियर लगाना है तो गियर लगाने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं बाइक को एक्सीलेट करूँगा, बाइक जो है मेरी 15 या 17 के बीच में पहुँच जाएगी। जैसे मैंने अभी एक्सीलेट किया, 15-17 के बीच में पहुँच गई, एक्सीलेटर से हाथ उठाऊँगा, क्लच को दबाऊँगा और ऊपर की तरफ पैडल को शिफ्ट करूँगा तो दूसरा गियर जो है मेरा लग गया, ठीक है?
तो उसके बाद ठीक है, ये तो हुआ तरीका गियर लगाने का। ठीक है, एक बार मैं थर्ड गियर भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, थर्ड गियर लगाने के लिए मुझे स्पीड को 30 तक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल 30 तक करना पड़ेगा। अभी मैं एक्सीलेटर को छोड़ूंगा, फुल क्लच दबाया, गियर को ऊपर की तरफ गया तो थर्ड गियर लग गया, और जब क्लच छोड़ने के बाद हल्का हल्का एक्सीलेट किया, ठीक है, तो मेरा थर्ड गियर जो है लग गया। ठीक है, अभी तरीका जो है कि आपको बाइक को किस तरह से रोकना है, ये तो हो गया चलाने का तरीका, गियर डालने का तरीका। ठीक है, आपकी बाइक को किस तरह से रोकना है, मैं सीधे सीधे चलाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे अभी जो है बाइक को रोकना है, तो बाइक रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सीलेटर को छोड़ देना है और फुल क्लच लेना, और उसके बाद ब्रेक लेनी है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि बाइक रोकने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक्सीलेटर को छोड़ना है, फुल क्लच लेना, उसके बाद ब्रेक लेनी है। ठीक है, दोनों ब्रेक आगे वाली भी ले सकते हो या पीछे वाली भी ले सकते हो, दोनों ब्रेक एक साथ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर से करके बताता हूँ। जैसे अभी मेरी बाइक चल पड़ी, अभी मुझे बाइक को रोकना है, तो ठीक है, तो मुझे पहले एक्सीलेटर को छोड़ा, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद फुल क्लच लिया, फिर ब्रेक ली। ठीक है, तो इस तरह से जो है बाइक को चला सकते हैं आप। ठीक है, आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।